कि दुनिया का हर इंसान गुनहगार है, खताकार है, दुनिया के तमाम इंसानों से गुनाह के काम वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। ये इंसान की फितरत उसकी जबिल्लत में शामिल है कि इंसान से गुनाह के काम होंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, कि दुनिया का हर इंसान खताकार है, दुनिया के हर इंसान से गलतियां होती हैं, गुनाह के काम सरजद होते रहते हैं, लेकिन उन गुनहगारों में, उन खताकारों में सबसे अच्छे और बेहतर लोग वो हैं जिनसे जब कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह का काम, कोई मासियत का काम हो जाता है, फौरन अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह के हबीब का फरमान कि अगर इंसानों से गुनाह के काम ना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को ख़त्म करके, इस दुनिया से उनका खात्मा करके ऐसी मखलूक को इस दुनिया के अंदर पैदा करेगा जिससे गुनाह के काम होंगे, जो गुनाह करेंगे लेकिन उसके बाद अपने रब की तरफ रुजू करेंगे, अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश तलब करेंगे। ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हैं, महबूब हैं, जिनसे अगर कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह का काम हो जाता है तो वो अपनी उस गलती पर ढिठाई नहीं करते, सीना जोरी नहीं करते, बल्कि फौरन अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद फरमाता है, ऐसे लोग अल्लाह के अब महबूब और पसंदीदा हैं। अल्लाह का फरमान इन्नल्लाह युहिब्बुत्तव्वाबीन व युहिब्बुल्मुतत्तहिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों और पाक व साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है।